गद्दार। टीएस एलियट ने कहा था, मेरे वहमोगुमान में भी ना था कि मौत ने इतनों को वजूद से अदम की तरफ धकेला है। ढाका सेंट्रल जेल का अंदरूनी हिस्सा मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ख़राब निकला। इस जेल में मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी ऐसे कैदी मौजूद थे जो अपने अपने शोबों में मुमताज़ मुकाम रखते थे। खाते में पड़े हुए कैदी जेल के बदतरीन माहौल के शाहिद थे। उनकी हैसियत बड़ी हद तक कदीम अहद के गुलामों की सी थी। उनकी ज़िंदगी शायद ही हैवानात से मुख्तलिफ हो। जेल के निगरान के अहकाम के मुताबिक वो बाल्टियों के ज़रिए एक एक कोठरी में पानी पहुंचाते थे, सड़क साफ़ करते थे, बाग की सफाई और काट छाँट करते थे, लॉन की घास भी वही काटते थे। मगर मेरा मामला कदरे मुख्तलिफ था, इसलिए कि मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद था। नया काम पसंद आया वीसी? नया काम किधर है थियर साहब? ये तो मेरा हमेशा से यही काम, पौधों को पानी देना। किंतु ये तो जल गया है। जमाने का गर्म हवा से झुलस गया है, इसको ठीक वक्त पे पानी नहीं मिला होगा ना।